गाइस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे और मेट्रो के बाद बस सेवा को अहम माना जाता है। यही वजह है कि अब इलेक्ट्रिक कारों की तरह इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाने के लिए विशेष महत्व दिया। सरकार से लेकर निजी कंपनियों तक इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लेलैंड भारत में 5,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी ने ट्रांसपोर्ट तकनीक चालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया। एक रिपोर्ट का कहना है कि चालों लाइव बस ट्रैकिंग, डिजिटल टिकट और ट्रैवल प्लान तैयार करेगी। इसके साथ ही रूट फ्रीक्वेंसी, टाइम टेबल और किराया भी तय करेगी। दूसरी ओर स्विच की जिम्मेदारी है कि इन इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई और रखरखाव देखें, जिससे सवारियों को बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सके डीजल वाली बस के मुकाबले। इलेक्ट्रिक बस 2.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। एक बार चार्ज होने के बाद 140 से लेकर 180 किलोमीटर तक का माइलेज मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों में कैमरे लगेंगे, जिससे पूरे बस की निगरानी हो सके। इसके साथ ही बस में GPS लगा होगा, जिससे कि हम बस को ट्रैक कर सकते हैं। हैंडीकैप के लिए आरामदायक सीट दी हुई है, जिससे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ऐसे में जिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।